की करेंगे, जहां पर लगातार पीलिया मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। वहीं पीलिया होने के कारण नगर निगम के द्वारा सप्लाई पानी है, ये महापौर ने माना है, जो पीलिया होने का कारण है, जो सप्लाई पानी किया जा रहा है उस पानी को प्रमुख कारण इसका माना है, और महापौर ने भी इस बात को कबूल किया है, लेकिन अभी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने इस मामले को गंभीर बताया। मंत्री शिव डहरिया से खास बातचीत की है संवाददाता सत्या राजपूत ने। हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया जी हैं, उनसे जानते हैं कि इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री जी, राजधानी रायपुर में हर साल ये गंदगी दोहराई जाती है और हर साल पीलिया की बदी जाती है, इस पर क्या हो, ये ना हो और इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय करें? निश्चित रूप से इसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है और हमने हमारे विभाग के सचिव को पिछले दिनों निर्देश दिया था कि जाकर यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको देखें और उनके निराकरण का काम करें। जरूर पेयजल हम जो उपलब्ध कराते हैं उसमें कुछ कमी रह गई थी जिसके नाम से इस तरह की घटनाएं हुई है और प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो और आगे हमारे नगर निगम के सारे अधिकारी कर्मचारी और सरकार भी दिशा में काम कर रही है और इसको पुनः इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए आगे काम करेंगे। लगातार शिकायत आने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमें आजा आज ये है कि पूरे शहर पीलिया की चपेट के आने से कुछ ही कदम हो। देखिए, जिन अधिकारियों ने काम में कोताही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और इस दिशा में हम और क्या कर सकते हैं, आगे ये आगे ना बढ़े इसके लिए सरकार काम करे। क्या अभी अधिकारियों पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए? अभी तो की गई कार्रवाई और आगे जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। कितने लोगों पर अभी कार्रवाई की गई आपने बताया, कौन कौन अधिकारी? हमारे जो कमिश्नर है वो हटा दिया गया है और भी जो इसमें जिम्मेदार लोग थे उन पर कार्रवाई की गई। तो अभी आपने मंत्री शिव डहरिया सुना जिनका साथ के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको हटा दिया गया है और आगे की क्या कार्रवाई करना है अभी राजकुमारी करके आगे का निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन सुनाना सत्यराज को स्वराज से रायपुर।